साथियों, नए भारत का निर्माण बोल्ड रिफॉर्म्स, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस्ट टैलेंट से ही संभव है। आज सरकार के हर स्पीयर में बोल्ड रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। इकोनॉमिक स्पेस में जीएसटी और आईबीसी जैसे रिफॉर्म्स किए गए, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स और स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया गया। इसी तरह यूपीआई जैसे कदमों के जरिए देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने की तैयारी की गई। हमने 1500 से ज्यादा आउटडेटेड कानूनों को खत्म किया, करीब 40,000 गैर जरूरी कंप्लायंसेस को रद्द कर दिया। ये हमने अनेकों प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज भी किया। हमने कॉरपोरेट टैक्स की दरों को कम करने जैसे कदम उठाए हैं। साथ ही फेसलेस असेसमेंट जैसे सुधारों से ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाई है। भारत में एफडीआई के लिए नए सेक्टरों के दरवाजे खोले गए हैं। भारत में ड्रोन्स, जियो स्पेशल सेक्टर, स्पेस सेक्टर और यहां तक कि डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, रिफॉर्म्स के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत पहले से कहीं ज्यादा स्पीड के साथ और बड़े स्केल पर काम कर रहा है। आप एयरपोर्ट्स का उदाहरण ले सकते हैं। पिछले 8 वर्षों में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो चुकी है। करीब 70 एयरपोर्ट से बढ़कर अब 140 से ज्यादा एयरपोर्ट से उड़ान भरने लगे हैं और अभी कई और नए एयरपोर्ट्स भारत में बन रहे हैं। इसी तरह मेट्रो ट्रेन का दायरा 5 शहरों से बढ़कर 20 शहरों तक फैल चुका है। हाल ही में लॉन्च की गई नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी विकास की रफ्तार को बढ़ाने में और मदद करेगी। साथियों, मैं इन्वेस्टर्स का ध्यान विशेष तौर पर पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का तौर तरीका ही बदल दिया है। अब जब किसी प्रोजेक्ट की योजना बनती है तो उसके 3 डायमेंशंस पर सबसे पहले ध्यान दिया जाता है। डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मैप तैयार किया जाता है, फिर उसे पूरा करने के शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव रूट पर चर्चा की जाती है। इससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी का उसके अंदर बहुत महत्व रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है और उस प्रोडक्ट्स या सर्विस को वर्ल्ड क्लास का बनाने पर जोर दिया जाता है। साथियों, आज जब दुनिया इंडस्ट्री 4.0 की तरफ बढ़ रही है तो इस औद्योगिक क्रांति में भारतीय युवाओं की भूमिका और भारतीय युवाओं का टैलेंट देखकर दुनिया को आश्चर्य होता है, अजूबा लगता है, दुनिया दंग है। भारत के युवा बीते वर्षों में अपने यहां 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बना चुके हैं। भारत में 8 साल में 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप बने हैं।
आज भारत का हर सेक्टर युवा शक्ति की ताकत से आगे बढ़ रहा है। पिछले वर्ष भारत ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है। कोविड के बाद जो हालात है उसमें ये उपलब्धि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत के युवाओं की क्षमताओं का विस्तार करने के लिए हमने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी अहम बदलाव किए हैं। बीते वर्षों में भारत में यूनिवर्सिटीज, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज और मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज की संख्या में 50% की बढ़ोतरी हुई है। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.